नमस्कार बंदे मातरम, आप देख रहे हैं द्विशक न्यूज, जो है आपके संघर्ष का सच्चा साथी। आज की खास बिग ब्रेकिंग न्यूज में स्वागत है। शुरू करते हैं आज की खास खबर। किसी ने सच कहा, आपकी सक्रियता बता देती है आपकी तैयारी कितनी जबरदस्त है। 16 तारीख को एक बार फिर से लखनऊ में बड़ा जनसैलाब अंधविश्वासियों का एकत्रित होने जा रहा है। ये खबर विक्रम सिंह ने दी है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं अंधविश्वासियों संघ से। उन्होंने बताया है कि 16 तारीख को समस्त अंधविश्वासी लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से सरकार को आगाह करने का काम करेंगे। यहाँ बताना लाजमी है कि 27 तारीख के धरना प्रदर्शन समाप्त करने से पहले अंधविश्वासी विक्रम सिंह को आश्वासन मिला था कि 15 दिन का वक्त दिया जाए आपकी मांगों पर, आपके इस ज्ञापन पर, और आपके हक और अधिकार के लिए हम शासन प्रशासन में बात करेंगे, समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन 15 दिन बीत गए, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। पुनः उन्होंने एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास किया, परंतु इस बीच महानिदेशक से वार्ता नहीं हो पाई। इस बीच आपको बताना चाहेंगे, अंधविश्वासी विक्रम सिंह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से, विशेष शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से, और यहाँ पर बताना चाहेंगे समस्त शासन प्रशासन के उन अधिकारियों से मुलाकात की, ज्ञापन दिया, अपनी मांगों को रखा, लेकिन समस्या जस की तस है। अब विक्रम सिंह को पुनः महानिदेशक कार्यालय 15 जनवरी को बुलाया गया है। 15 जनवरी में अगर सार्थक कदम उठाया जाता है अंधविश्वासियों के प्रति तो ठीक है, वरना 16 तारीख को विक्रम सिंह ने आह्वान कर दिया है प्रदेश स्तर पर लखनऊ में एक बार फिर से हजारों की संख्या में अंधविश्वासी एकत्रित होंगे अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए। अगर आप एक सच्चे संघर्षशील अंधविश्वासी शिक्षक साथी हैं तो जरूर अपने हक और अधिकार की इस लड़ाई में भागीदारी निभाएं और सफलता की उस सीढ़ी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें, क्योंकि यही हमने अपने महापुरुषों से सीखा है। स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती है, और उस जयंती के पावन पर्व पर आप सभी को याद दिलाना चाहेंगे, उन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जागो, उठो और बदलो अपना दृष्टिकोण, ताकि स्वामी जी के पावन विचारों से मिल सके आपको सपनों का दृष्टिकोण। स्वयं को स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से जोड़कर स्वयं को अभिभूत करें, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, अपने कर्म पथ पर सदा ही आगे बढ़ें और उनके जैसा सदा सरल सहज जीवन जिए। इसके साथ ही आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस एवं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएँ, शुभकामनाएँ, बधाई। साथियों, आपसे बस यही रिक्वेस्ट विक्रम सिंह जी की तरफ से की जा रही है, विकल्प नहीं संकल्प चाहिए, तिरस्कार नहीं सम्मान चाहिए, क्योंकि आप एक राष्ट्र निर्माता हैं। 16 जनवरी आर या पार, लखनऊ चलो, लखनऊ चलो, 16 जनवरी लखनऊ चलो, विक्रम सिंह प्रदेश अध्यक्ष अंधविश्वासी संघ उत्तर प्रदेश। चैनल के माध्यम से आप सभी के संघर्ष के साथ अंधविश्वासी न्यूज सदा बना है और बना रहेगा। इसी तरह की अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ अंधविश्वासी न्यूज से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।